आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दिल्ली के सीलमपुर में जे ब्लॉक में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। हैरानी की बात यह है कि इस घटना स्थल पर राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने एक के बाद एक पहुंच रहे हैं, पर किसी भी राजनीतिक दल या नेता ने मरने वाले के लिए कोई मुआवजा का ऐलान अभी तक नहीं किया। ऐसे में समाज सेवी संस्था क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और संस्था के नेशनल चेयरमैन सुखदेव सिंह ने मरने वालों के परिजनों को सहानुभूति देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में हमारी पूरी संस्था उनके साथ है और हम अपनी तरफ से प्रयास करके मरने वालों के लिए सरकार से मुआवजा दिलवाएंगे। हालांकि मौके पर इलाके के निगम पार्षद के पति हाजी अफजाल ने कहा कि ये ब्लॉक छुंगी झोपड़ी का इलाका है और ये जे क्लस्टर जो सरकार का सलम विभाग है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन यह हमारे वार्ड का ही हिस्सा है, इसीलिए हम यहाँ रात भर मौजूद हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दिल्ली से मोहम्मद इरफान खान की एक खास रिपोर्ट। अरुण जी, आप यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ होगा 30 साल। ये हादसा जो हुआ आपकी मौजूदगी में हुआ? हाँ, मौजूदगी में हुआ। और तो क्या उस टाइम पर कौन लोग यहाँ मौजूद थे जो मदद करने के लिए लोगों के साथ में आ गया? यहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे। जब यह हादसा हो गया उसके बाद में 2 घंटे के बाद स्टाफ भी आया, एसएचओ साहब आए, उसके बाद में हाजी इसरार साहब आए, उन्होंने देखा, उसके बाद में चले गए। चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या आम आदमी का हो, कोई भी हो, कोई भी इस बात को गौर नहीं करा। यहाँ जिसके लिए क्या करना है, रात को आया समझ देना, उसके बाद सो गए। अभी तक उसका किसी का कोई पता नहीं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनके विधायक हो, कोई भी हो। हाजी अफजाल साहब हमारे आदमी और वो गरीब आदमी है, दोनों ही गरीब है। जिसकी गरीब वो भी गरीब है, जो मरे उसके भी। सर मैं एक बात कहना, हम तो सिर्फ एक बात कह सकते हैं, जब तक हम ये कहना चाह रहे हैं उनकी बॉडी आ चुकी है, जब तक हम बॉडी नहीं दफनाएंगे, जब तक उनके मुआवजे का ऐलान नहीं होगा। ये रास्ता है 8 फुट का, इधर ये दीवार आ गई, इधर ये फांसी की दीवार हमारी छाती पर खड़ी हो गई। इस दीवार से हमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि अगर कल को और ये हादसा होता रहा जिस तरीके से, उससे पहले आग लगी थी, फार्मीगेट की गाड़ियां नहीं आ पाई थी। कल ये हादसा हुआ, फार्मीगेट को आने में बड़ी दिक्कत हुई है, एम्बुलेंस को आने में बड़ी दिक्कत हुई है। जेसीबी ने ये दीवार तोड़ के जब यहाँ मदद करनी शुरू करी है। मैं तो ये गुजारिश करूंगा अरविंद जी से कि डीटीए की लैंड है पहली तरफ, इस दीवार को कम से कम 10 फीट और ले जाए। अगर इनके हिकेती है तो इस दीवार को 10 फीट जब पहली तरफ को ले जाएंगे, ये एम्बुलेंस आने की सहूलियत होगी, जेसीबी आने की सहूलियत होगी, बॉबकट आने की सहूलियत होगी और अच्छी मशीनरी यहाँ आ जाएगी। इस दीवार के कारण यहाँ कोई अच्छी मशीनरी, कोई गाड़ी वाहन वगैरह हिफाजत के लिए नहीं आ पाता। तो ये जब दीवार पर एक होगी तो उससे हमारी हिफाजत भी होगी, हमारी बहन बेटियों की बैठने उठने की भी सहूलियत होगी। आज इस दीवार से लग के बहुत सी हमारी माँ बहनें बैठ जाती हैं, गर्मियों के अंदर रात को बैठ जाती हैं, सर्दियों के अंदर धूम में बैठ जाती हैं। बच्चों को खेलने के लिए 4 फुट की गली के 8 फुट की गली के अंदर कहाँ बच्चे खेलेंगे, तो झुग्गी वालों के लिए है ही क्या। तो हम चाहेंगे ये दीवार पल्ली तरफ हुए जिससे बच्चों का खेल कूद का भी मैदान सा थोड़ा सा चौड़ा होगा और बहन बेटी भी आराम से बैठ जाएंगी, बुजुर्ग भी गर्मी और धूप के अंदर। सुखदेव सिंह जी, आपकी क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव टीम को जब बिल्डिंग हादसे की खबर मिली सीलमपुर शास्त्री पार्क की, तो आपने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में क्या सहायता की? हमें रात जे तकरीबन 8 बजे पता चला कि जहां पर जो हादसा हो गया है, तो तुरंत जो हमारी सीआईडी टीम है वो सारी टीम जहां पर पहुंची है, पहुंचकर आकर देखा है, जितने भी हमारी दिल्ली पुलिस थी वो भी सारी आई है और सारी हमारी सीआईडी टीम भी आई है और सबने आकर जितना सहयोग हो सका वो सारा सहयोग किया है। बाकी जो हमारे निगम पार्षद जी हैं हाजी अफजाल साहब जी, वो कल रात से यहीं पर हैं, जनता के साथ में हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सारा जो उनका एक कार्य करने का फर्ज था उस फर्ज को निभा रहे हैं। और ये जो दीवार है, दीवार जो है इसको थोड़ा जहां से हटा के अलग किया जाए, क्योंकि दीवार की वजह से रात जब एमसीडी की मशीनें आ रही थी, जेसीबी मशीनें आ रही थी, वो आ नहीं पाई इधर, उस वजह से जो मलबा लेट हटा है, तो वो मलबा लेट हटने का कारण क्या है, कारण उसमें जो बच्चे जहां
बूढ़े बुजुर्ग जो भी नीचे दबे हुए थे वो कुछ मृतक निकले हैं और कुछ की हॉस्पिटल जाके मौत हो गई। ये इलाका क्लस्टर में आता है, यहाँ बनने वाले लोगों के परिवारजनों को किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे क्लस्टर विभाग से? इसके लिए हमारी जो सीआईडी टीम है, मैं सारी सीआईडी टीम से अपील करूंगा कि एक जो लेटर है अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम उनको दिया जाए, और एक जो सारी हमारी सीआईडी टीम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को लेटर देंगे कि ये जो दीवार है इस दीवार को तोड़ा जाए। सुखदेव जी, बिल्डिंग हादसे को कई घंटे बीत चुके हैं, क्या अब तक दिल्ली सरकार या विधायक जी की तरफ से किसी तरह का कोई इमदाद या मुआवजे का ऐलान हुआ? अभी तक कोई किसी भी तरह के मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी टीम कहां तक इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम करेंगे? हम इस जो ये हादसा हुआ है जहां पर हमारी सारी टीम 24 घंटे इनके लिए हाजिर है, जहां तक जितना भी हो सका हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए अपना फर्ज निभाएंगे। और जितना दीपक शर्मा जी, कल जो बिल्डिंग हादसा हुआ है शास्त्री पार्क पे, इस बिल्डिंग हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या कितनी रही है? सर, जिस टाइम मुझे वायरलेस से कॉल आया हमारे सुखदेव जी का, मैं उसी टाइम इसका मुआयना करने के लिए यहाँ पहुंचा और अपनी पूरी टीम को मैंने यहाँ पर बुलाया। उस टाइम तक अभी 2-4 लोगों का हमारे पास सामने आया था, लेकिन सही मायने में अभी 8-10 लोगों का हमारे सामने आ चुका है। और मैं सीएम साहब केजरीवाल से अपील करूंगा कि एक और वो यहाँ पर आए और यहाँ की पब्लिक का जो दर्द है उसको समझे, और जिनके लोगों के साथ ये हादसा हुआ है उनको मुआवजे की अच्छी रकम दें। देखिए, जाने वाले की वो तो पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये चाहूंगा उस रकम से कम मकान, उनके बच्चों का कुछ भविष्य बन सके, ये अपील करूंगा। और मैं हमारे जो मोदी जी हैं वहां भी हमारा लेटर जाएगा कि इस कॉलोनी में हमारे चेयरमैन सुखदेव जी हैं और उन्होंने जैसे ही हमारे को बताया इस हादसे के लिए हम पूरा सहयोग देंगे और हमारी पूरी क्राइम इंटेलिजेंस टीम इनके पूरे दुख दर्द में साथ है। इस दुख की घड़ी में आपकी जो क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव टीम है वो किस तरह का सहयोग करती है? सर, हमारा जैसे प्रकार का भी किसी प्रकार का भी किसी को दर्द है कुछ है, हम वायरलेस से अपना मैसेज करके सभी को बुलाते हैं, जो आसपास होते हैं वो उसी टाइम आ जाते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट इनका नहीं सुन रही, हम अपने जरिए उनके आवाज को वहां पहुंचाते हैं, चाहे लेटर से चाहे हमें वहां जाके कहना पड़े, इनकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे, इनके दुख दर्द को वहां पहुंचाएंगे और इनका मुआवजा दिलवाएंगे।